गाइज हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की प्यारी सी अर्जी सुनिए, आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ गाइज, उसने अपनी चिट्ठी में लिखा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी, एक महीने पहले ही मेरी शादी हुई और शादी के बाद जैसे ही मेरी बीवी की विदाई हुई मैं ड्यूटी पर आ गया और अब मुझे छुट्टी नहीं मिल रही जिस वजह से मेरी बीवी का पारा चढ़ा हुआ है। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया है। मैं उसे मनाने के लिए बार बार फोन करता हूँ लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाती और अगर बाई चांस फोन उठा भी ले तो वो फोन मेरी माँ को दे देती है। ऐसे में मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मुझे 7 दिन की छुट्टी दे दीजिए। ये लाचार प्रार्थी आपका सदा सदा के लिए आभारी रहेगा। ऐसे गाइस, बेचारे कांस्टेबल की बात तो सही है, भला बीवी के गुस्से और आने वाले तूफान का क्या भरोसा, खंबकत क्या कब और कितना नुकसान कर दे कौन जानता है। ऐसे गाइस, आपको इस कांस्टेबल की छुट्टी वाली अर्जी सुनकर कैसा लगा, क्या आप उसका दर्द महसूस कर पाए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या एसएस राजामौली ने बॉलीवुड को करारा थप्पड़ मारा है? जी हाँ गाइस, अमेरिका में गोल्डन ग्लोब जीतने के बाद एसएस राजामौली साहब ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरआरआर कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है बल्कि साउथ इंडियन सिनेमा का एक नगीना है। जी हाँ गाइस, अमेरिका में एक भाषण के दौरान एसएस राजामौली ने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी फिल्म में किसी भी गाने को ऑडियंस पर थोप देता है, बल्कि हम फिल्म में हमारे गाने इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हमारी फिल्म की कहानी से जुड़े हुए होते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं साउथ इंडिया से आता हूं और मेरी मूवी भी वहीं की मूवी है। असल में आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग को जब से गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है तब से इस गाने को इंडियन सिनेमा का बताकर राग अलापा जा रहा है, क्योंकि जब बॉलीवुड मूवी को ऐसा कोई अवार्ड मिलता था तो कोई इंडियन सिनेमा की बात ही नहीं करता था, तब सबके सब बॉलीवुड बॉलीवुड करते रहते थे। और शायद इसलिए एसएस राजामौली साहब ने कहा कि आरआरआर बॉलीवुड की मूवी नहीं है बल्कि तेलुगु फिल्म है। वैसे गाइस, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एसएस राजामौली ने ठीक किया या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।